हाउ मच? कुछ ऐसा सिम कार्ड है यहाँ पे भाई, ये गेट है, बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का। भाई इंडिया से नेपाल घुस चुका हूँ, यहाँ पे टिकट मैं बुक कर रहा हूँ बस का, विराटनगर से काठमांडू के लिए। मैंने 1000 दिया, 1600 रुपये मैंने रिटर्न करा और मैं आ चुका अंदर बस के अंदर। ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? जावेद अख्तर ब्लॉग्स। बस का नाम है बुलेट बस, एसी है ये। भाई ये सिस्टम बहुत अच्छा है, चार्ज करने में दे रखा है ये बढ़िया की। 200 रुपये में कुछ ऐसा है। 6 बज चुका टाइम और 1 घंटा लगने वाला है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। अभी 11:30 बज चुका है, मैं हूँ जोगबन स्टेशन में और आज 15 अक्टूबर 2022 है। मैं जस्ट उतरा हूँ, ये पार्ट टू होने वाला है। अभी मैं जोगबनी से विराटनगर, विराटनगर से जाऊँगा काठमांडू जाऊँगा। कैसे जा रहा हूँ, किस में जा रहा हूँ, सारा चीज़ आपको बताऊँगा इस चीज़ में। चैनल पर बने रहिए। भाई ये गेट है, बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का, तो मेरे को यहाँ पे मना किया मतलब फोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ CCTV लगा हुआ बहुत ज़्यादा। तो मेरे को एक भाई ने बोला कि अंदर घुस जाइए दुकान में, फिर कीजिए आप कैमरा। तो कुछ दिखा रहा हूँ मैं, इधर इंडिया है, इधर इंडिया है, इधर है आपका बॉर्डर, जो गेट पास करिएगा तो बप्पन नेपाल। वीडियो बनाना अलाउड नहीं भाई। अब भाई मैं सीधा निकलता, बस स्टैंड निकलता हूँ यहाँ पे, ठीक है? बस स्टैंड आपका 20 मिनट लगने वाला है ऑटो से, मैं निकलता हूँ यहाँ पे, यहाँ से पकड़ेंगे काठमांडू के लिए बस। भाई इंडिया से नेपाल घुस चुका हूँ, नेपाल क्रॉस कर चुका हूँ, नेपाल है ये, और नेपाली लोग मुझे दिखने लग गए हैं। यहाँ वीडियो बनाना या फिर फोटो करना अलाउड नहीं है, कह रहे कि देख ले बैग उग सब ले लेगा, फोन छीन लेगा। भाई सबका रोक रोक के बैग चेक कर रहा है, पर मेरे को कुछ नहीं कहा, मेरे को जाने दे दिया। भाई ऑटो में बैठ गए, ऑटो से जा रहे विराटनगर। गाइस नेपाल में आपका स्वागत है, और मैं अभी होटल में बैठा हूँ, खाना खाता हूँ पहले यहाँ पे। अब मेरा नेटवर्क गायब हो गया है, जियो का नेटवर्क आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों, देखना पड़ेगा। भाई ये नेपाली फूड है, चावल दाल सलाद हरा सब्जी कुछ भुजिया है। जियो सिम तो बंद हो गया यहाँ पे, एयरटेल थोड़ा काम कर रहा है, तो एक सिम ले लेते हैं यहाँ पे। सिम का जो रेट है ये आपका 100 रुपये है नेपाली रुपये, ठीक है? सिम का दाम कम है लेकिन डेटा इसमें नहीं रहेगा, डेटा अलग से लेना पड़ेगा। डेटा के लिए बोल रहे 1 महीने के लिए 600 रुपया, बहुत महंगा डेटा है यहाँ पे। और 200 रुपये में आपका 7 दिन देगा 2 GB करके, देखते हैं सिम ले लेते हैं फिलहाल, नहीं तो बात नहीं हो पाएगा घर में, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि पहुँच चुके हैं नेपाल में। कुछ ऐसा सिम कार्ड है यहाँ पे, टूरिस्ट सिम कार्ड है ये। भाई यहाँ पे टिकट मैं बुक कर रहा हूँ बस का, विराटनगर से काठमांडू के लिए, जो कि नेपाली रुपीस पड़ रहा है यहाँ पे 2000 रुपया। यहाँ 3 बजे खुलेगी यहाँ पे, कितना बजे पहुँचा गया यहाँ पे? सुबह अगर जाम सब नहीं हुआ तो 7 बजे, 7 बजे मॉर्निंग में पहुँचा देगा जाम ना रहे तो। 2000 रुपये नेपाली रुपीस, यानी आपका लग रहा है 1250 रुपये इंडियन रुपीस लग रहा आपका, ठीक है? 1250 रुपया यहाँ से 550 किलोमीटर है ना डिस्टेंस, 550 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से। ये विराटनगर का हाईवे है, इसी रोड से काठमांडू जाती है। ये बस स्टैंड है। अगर आप विराटनगर पहुंच जाते हो, विराटनगर पहुंचने के बाद आपको काठमांडू के लिए बस के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सारी बस लगी हुई है यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाया आपको। एक बार यहाँ पहुंच जाओ, फिर आपको 2 बस चलती है यहाँ से, एक डिलक्स एक एसी हो गया 2100 रुपया, डिलक्स हो गया 1800 रुपया, ठीक है? इसमें 100 रुपया कम हो सकता है, जो कि मेरा एसी है तो आपका इसमें 2100 रुपया है, 2000 रुपये मैंने दिया, यानी आपका इंडियन लगा मेरे को 1250 रुपया, ठीक है? तो बस 3:15 में निकलने वाली है बस, और सुबह 7 बजे पहुँचाएगी, करीब 600 किलोमीटर डिस्टेंस है ये। ये पूरा काठमांडू के लिए बस लगा हुआ है। पूरा टिकट काउंटर है सारा। भाई ये नेपाली रुपी, यहाँ पे नेपाली रुपी चलती है ना, ये 20 रुपी है ये।
कुछ ऐसा है भाई। स्प्राइट है ये 175 ml का है ये, इसका रेट है 30 rupees नेपाली, यानी 19 rupees INR पड़ रहा है, इंडियन रुपीस का आपका 19 rupees, जो कि रेट ज़्यादा है आपको। 200 मिलता है हम लोग यहाँ पे कितना 15 rupees में, आपके 19 rupees में आपको 175। भाई मेरे पास नेपाली रुपी है ये, मैंने करेंसी पर चेंज किया है, 1000 rupees मैंने दिया है, 1600 में मेरे को दिया है, आपको मैं दिखाता हूँ करेंसी, ठीक है। या ये 1000 rupees ये मैंने 1000 दिया, 1600 रुपये मेरे को रिटर्न करा, ये 1000 है, ये 500 है, 1500 हो गया, ये 50-50 है, 1600 रुपया। भाई 3:20 हो चुका टाइम और मैं आ चुका अंदर बस के अंदर, ये बस के अंदर है, मतलब कुछ ऐसा सीन है बस के अंदर, मतलब पूरा फुल्ली एसी है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मिरर जो है इसका वो पूरा ऑफ है ना, तो खुलता नहीं है, इसलिए पूरा एकदम गर्म है अभी, जब एसी चले तब ठंडा होगा बस, और सीट पूरा एकदम लग्जरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी सीट है, और ये सीट है मेरा, नंबर तो पता नहीं चला, 30 नंबर है मेरा, 13 ही होगा, ये सीट होगा मेरा, ठीक है, ये वाला हाँ। बस मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ बस है, चलता हूँ बाहर से दिखाता हूँ आपको बस, ठीक है। बैग मैंने रख दिया यहीं पे, बाप रे इतना गर्मी है भाई, जब तक ऐसे नहीं चले तो मज़ा नहीं आएगा। आपका YouTube चैनल का नाम क्या है? जावेद अख्तर ब्लॉग्स। ये बस बस का नाम है बुलेट बस, एसी है ये। बस की कोई कमी नहीं यहाँ पे, सारा बस आपको यहाँ से मिल जाएगा काठमांडू के लिए। मैं बैग को ऊपर डालता हूँ, देख रहे हो ये कितना छोटा गैरेज मतलब डाल दिया अंदर। एसी चलना स्टार्ट हो गया है। ₹20 का लेस है, ₹50 लिया, यानी इंडियन करेंसी में हो गए 30 rupees, ज़्यादा ही ले रहे हैं यहाँ पे। तो अभी भाई 5:44 टाइम हो रहा है और कहीं रुका हुआ पेट्रोल तेल डीजल डलाने के लिए, ठंडी काफ़ी लग रही है इसलिए जैकेट पहन लिया मैंने। भाई ये सिस्टम बहुत अच्छा है, चार्ज करने में दे रखा है, ये बढ़िया क्या है भाई। 7 बज गया टाइम अभी, यहाँ पे एक होटल है छोटा सा, यहाँ पे रुका हुआ है बस, यहाँ पे खड़ी है, ऐसा कुछ है यहाँ पे छोटा सा कुछ है, देखता हूँ खाना वाना खा लेता हूँ, कुछ है तो ऐसा कुछ खाना पड़ेगा खा लेता हूँ मैं पहले। भाई नेपाली फूड कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे चावल वावल कुछ नहीं है, यहाँ पे समोसा वमोसा क्या क्या है, चावल के लिए रुकी होगी आगे गाड़ी, तो यहाँ खाया नहीं कुछ, जाके रुके 12-10 बजे फिर यहाँ खाऊंगा मैं चावल सब्जी जो भी रहेगा। oh,
भाई 10 बज चुका है टाइम और यहाँ बस खड़ी हुई है। यहाँ पे खाना खा लेता हूँ, मेरे को नींद लग गया था, खा लेता हूँ। मेरे को ऐसा ये जगह ऐसा लग रहा है कि धनबाद से जो रांची से आते हैं ना, धनबाद खलसा होटल जहाँ है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को ये वाला। भाई सादा खाना ऑर्डर किए हैं, यानी चावल दाल सब्जी हो गई है, तो इसका 200 रुपया लिया। ठीक है 200 रुपये लिया, या कुछ पैसा यहाँ पर मेरे को दिया चेंज, 500 दिया था मैंने, तो रिटर्न करा मेरे को 300 रुपया। 200 रुपये में कुछ ऐसा है जो कि इंडियन 125 रुपये लग रहा है ये चावल दाल सब्जी। भाई अभी रात 2 बज रहे हैं अभी, गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम टू नेपाल। अभी 6 बज चुका टाइम और 1 घंटा लगने वाला है। आसपास का कुछ नज़ारा ऐसा है दिखाता हूँ मैं, मौसम ठंडी है यहाँ पे। ये अपना बस है जिससे हम लोग आए हैं, कल तो 3 बजे चढ़े, ठीक है 3 बजे चढ़े, अभी 6 बज गया, समझ रहे हो ना, यानी 12, 13, 15 घंटा। चाय दीजिएगा, टी नहीं नहीं टी 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 How much? 30. ऊपर चढ़ के जा रहा है भाई, मैं काठमांडू पहुंच चुका हूं, अभी 9:10 टाइम हो रहा है, मैं बस से जस्ट उतरा अभी। मेरे को यहां पे जाना है, होटल जाना है मेरे को, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है मैंने पहले से, तो मेरे को अभी रिचार्ज कराना है फ़ोन में, डेटा के बिना कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं पहले डेटा अपना डलवाता हूँ, फिर आपको मैं चलूँगा हॉस्टल। इस ब्लॉक में यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉक में, यानी ब्लॉक पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में मिलता हूँ मैं आपको, सारा चीज़ दिखाऊंगा, घुमाऊंगा, हॉस्टल जाऊंगा, अपना होटल जाऊंगा, जो भी जहाँ जाना जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज़। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए